बुंदेलखंड में अयोध्या के नाम से विख्यात श्री राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में श्री राम जन्मोत्सव बड़े ही ऐतिहासिक एवं भव्य तरीके से मनाया गया, जहां रविवार को शाम 7 बजे जैसे कि दुल्हा बने सरकार बारात के लिए मंदिर से बाहर निकले तो सशस्त्र पुलिस बल द्वारा सलामी देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद बारात पूरे नगर में भ्रमण करती हुई माता जानकी के मंदिर पहुंची, जहां मंदिर के पुजारी द्वारा दुल्हा सरकार का तिलक कर बुंदेली परंपरा अनुसार कन्यादान पाव पखरई एवं कुंवर कलेवा किया गया। वहीं भगवान की बारात में मुख्य से कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर, कलेक्टर अक्षय सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हर साल होने वाले इस पारंपरिक महोत्सव में देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। टीकमगढ़ से मनीष यादव की खास रिपोर्ट। प्रतिष्ठित महोत्सव है तो क्या तैयारी है, क्या पूरी किस क्या रीति रिवाज से तैयारी की जाती है? देखिए, राम जी का जो विवाह जी वो भगवान के रूप में नहीं, राजा के रूप में हमारे यहाँ, और राजा के जो विवाह जिन परंपराओं के साथ हमेशा होता रहा, उन्हीं परंपराओं के हिसाब से आज भी राजा राम की बारात उनके मंदिर वहाँ से राम मंदिर से निकली, और उसी परंपरा के अनुसार पूरे नगर में घर घर स्वागत होते हुए टीका, जो हमारा बुंदेलखंड का तरीका है, टीका होते हुए और वापसी में जानकी जी के दरवाजे पर परंपरागत जो टीका परंपरा है उसी हिसाब से उनका जो है स्वागत होगा, उनका टीका होगा, और उसके बाद जो है वापस जो है वो मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। हमें खुशी है और हम सब सौभाग्यशाली कि जहां साक्षात राम जी राजा के रूप में हों, ऐसे ओरछा में और उनकी बारात में आज हम सबको शामिल होने का मौका मिला। और इस मौके पर केवल हम नहीं, पूरे हिंदुस्तान के और पूरे दुनिया के अलग अलग कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं और बड़े आनंदित हैं और उत्साहित हैं, और जो जिन्हें पता नहीं था वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें पता होता तो और ज़्यादा अपनी संख्या के साथ यहाँ पर आते। जब ये सारी बातें हैं, राजा राम जी यहाँ पर विराजमान हैं, तो मध्य प्रदेश के एक सिपाही होने के नाते, आप सबका एक सेवक होने के नाते मेरा भी धर्म था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज इस सब मौके के ऊपर कि उन्होंने ओरछा के बारे में ध्यान दिया। और ओरछा मध्य प्रदेश का दरवाजा है, जब दरवाजा सुंदर होगा तभी लोग आकर्षित होंगे और अंदर प्रवेश करेंगे, तो मध्य प्रदेश के और जो विरासत फैली हुई है, प्राकृतिक सौंदर्य हमारा फैला हुआ है, उन तक लोग पहुंचेंगे। ओरछा सुंदर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी ताकत खर्च कर रही है, और आने वाले मार्च के पहले सप्ताह में 6-7-8 तारीख में ओरछा महोत्सव बड़े व्यापक स्तर पर जो है सरकार मनाने जा रही है, जिसमें आम जन की भी भागीदारी रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास कि जिस तरीके से ओरछा महोत्सव मनाया जा रहा है, ओरछा में जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने का सरकार कृत संकल्पित है, आने वाला कल बहुत भविष्य जो है राम राजा सरकार के चरणों में ओरछा का बहुत अच्छा होगा। और जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जब इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है तो आप सब भी उससे पधारें, और महोत्सव शानदार होगा, राम राजा की कृपा सबके ऊपर रहेगी, तो जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं और छोटे छोटे जो लोग हैं जिन्हें व्यवसाय नहीं मिल पाता है, आने वाला कल उनके लिए भी बहुत खुशखबरी लेकर आएगा। सर, जानकी मंदिर जिसका महत्व है, चूँकि यहाँ बर वक्त का टीका होता है।